सबसे पहले एक अच्छी बात से शुरू करता हूँ. मुझे लगता है कि फिक्शन या कहानियाँ हिंदी में लिखने वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है अगर वो ऑडियो विजुअल माध्यम में खुद को ढाल सकें. इंटरनेट के OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत ज़्यादा सीरीज़ बन रही हैं, तो आप में से जो भी काबिल उभरते हुए या उभर चुके फिक्शन राइटर हैं उन तक ये बात पहुँचे. अब ये बाकी सब माध्यम छोड़ देते हैं और सिर्फ कहानी की बात करते हैं. तो दिमाग में एक सवाल आता है कि कहानी भविष्य में कहाँ लिखी जाएगी. शायद सब लोग बोलेंगे कि डिजिटल स्क्रीन पे, किंडल, ईबुक, यही भविष्य है कहानी का. कुछ समय पहले तक तो कहा जा रहा था कि किंडल फ्यूचर में जाके किताब को ख़त्म कर देगा, छपी हुई कागज़ को. हालांकि पिछले कुछ समय में वो एक सैचुरेशन पे पहुंच गया है. पेपरबैक्स की बिक्री अभी भी बढ़ ही रही है. एक रिसर्च कहती है कि जब हम स्क्रीन पे पढ़ते हैं तो सूचनाएं हम बहुत सारी लेते हैं, लेकिन उनका पढ़ते पढ़ते विश्लेषण करने की हमारी क्षमता या बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है. तो अगर किसी वजह से ऐसा हुआ कि भविष्य में हम स्क्रीन पे ज़्यादा पढ़ने लगे, तो शायद ऐसा भी होगा कि वे किताबें जो ठहर कर पढ़ने की या बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की ज़्यादा मांग रखती हैं वे पीछे चली जाएंगी, जो ख़तरनाक होगा. और तीसरी बात कि ये किताबें लिखेगा कौन, ये कहानियाँ लिखेगा कौन. 2013 में एक रिसर्च हुई जिसके मुताबिक भविष्य में करीब 47% काम जो आज इंसान करते हैं वो मशीनें करने लगेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसे हम इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो इंसानी दिमाग की तरह काम करने लगे. तो कहा जा रहा है कि 2033 तक 90% से ज़्यादा संभावना है कि शेफ, वेटर, ड्राइवर, ऐसे सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास चले जाएंगे. तो अपना काम है तो मेरे दिमाग में ये आया कि लेखकों का क्या होगा अगले 20, 30, 40 साल में. तो जैसे रास्ता पूछने के लिए अभी आदमी की ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है मैप के आने के बाद, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहानियाँ लिखने के लिए लेखक की ज़रूरत ख़त्म होती जाए. तो जैसे ऐसा होने लगा है कि बहुत सारे मामलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक औसत वकील से बेहतर सलाह देने लगा है. तो लोगों का कहना है कि क्रिएटिव मामलों में तो ये सब नहीं हो पाएगा शायद. तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया EMI नाम का, जिसे उन्होंने बरसों तक जर्मन संगीतकार बाख के म्यूज़िक पर ट्रेन किया 7 या 8 साल तक. और उसके बाद वो प्रोग्राम खुद नया संगीत बनाने लगा बाख जैसा. फिर एक कॉन्सर्ट किया गया जिसमें उन्होंने बाख का संगीत भी चलाया अलग से और EMI का बनाया हुआ उन जैसा संगीत चलाया लोगों को बताए बिना. और फिर बाद में श्रोताओं से पूछा गया कि कौन सा ओरिजिनल है, तो ज़्यादा वोट उसको पड़े कि जो EMI का बनाया संगीत है वो मूल बाख का संगीत है. आलोचक कहते रहे कि वो कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट था, उसमें वो आत्मा की गहराई नहीं थी जो इंसानी काम में होती है, लेकिन ज़्यादातर फैंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. भाषा को लेके AI अभी काफ़ी पीछे है, वो अच्छे अच्छे वाक्य गढ़ देता है, लेकिन क्योंकि उसे महसूस करने की क्षमता नहीं है और उसे पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है, तो लेखकों का प्रतिद्वंद्वी निकट भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता नहीं दिख रहा, लेकिन साथ ही वो ऑलरेडी हो चुका है. रॉबिन क्लोन नाम के एक अमेरिकी लेखक हैं जो अपना अगला उपन्यास एक सॉफ्टवेयर के साथ को राइट कर रहे हैं. उस सॉफ्टवेयर को उन्होंने खुद बनाया है और उसे अपनी सारी पसंदीदा किताबें पढ़वाई हैं.
तो वो अक्सर ये करते हैं कि कुछ लाइनें लिखते हैं और आधी छः 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 शब्द लिखे और फिर टैब का बटन दबाया तो अगले चार शब्द सॉफ्टवेयर खुद सुझा देता है। तो कभी कभी वो बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी ठीक होते हैं, वो अपनी मर्जी से चुन लेते हैं। वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे स्पेल चेक और इस तरह की चीज़ें, वर्ड काउंट हम में से बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन बात इससे कहीं आगे निकल चुकी है। रीडिंग एक्सेसिबिलिटी के टेस्ट होने लगे हैं जिसमें सॉफ्टवेयर आपका पूरा लिखा पढ़ के बता देता है कि कहाँ भाषा ज़्यादा क्लिष्ट हो रही है, कहाँ आपकी वाक्य संरचना ऐसी है कि पढ़ना धीमा हो जाता है और आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। मेटाफर मैग्नेट नाम का एक प्रोग्राम है जिसमें आप अंग्रेजी का एक शब्द डालेंगे तो वो आपको उस एक वाक्य डालेंगे तो वो आपको उस वाक्य के और पॉसिबल विकल्प देगा कि आप मेटाफर रूपक बदल भी सकते हैं। जैसे आपने डाला प्यार एक धोखा है तो कहेगा प्यार एक साजिश है भी लिख सकते हैं। एक बड़ी मजेदार वेबसाइट है इंस्पायरो बोट, तो मैंने उस पर कुछ वक्त बिताया। उस पर उसका जो एआई है, बॉट है, वो रैंडम प्रेरक कथन आपको देता रहता है लगातार। आप घंटों बैठे रहिए और वो जनरेट करता रहता है। वो अक्सर बेतुकी बातें बोलता है, अच्छे शब्दों को मिला के निरर्थक वाक्य बनाता है ज़्यादातर। कई बार वो अच्छी बातें बोल देता है, जैसे मुझे एक याद रह गई जो उसने बोली कि साहस को ज़्यादा खत मत लिखो। और फिर मुझे लगा कि एआई से सबसे ज़्यादा खतरा कवियों को है। और भाषा क्या होती है, शब्दों का एक सार्थक पैटर्न होता है, तो अर्थ एआई को समझ में नहीं आता पर पैटर्न हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। हर लेखक का एक स्टाइल होता है, वो स्टाइल पकड़ना उसको आता है। तो अगर एक इंसान एआई की मदद लेना चाहे तो वो किसी दूसरे राइटर का स्टाइल बड़े आराम से कॉपी कर सकता है। रूस की एक टीम ने किया कि अपने सॉफ्टवेयर से टॉलस्टॉय के एना कारेनिना को जापानी लेखक मुराकामी के स्टाइल में लिख दिया सिर्फ 3 दिन में। उसमें कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन बदल गया, उनका मनोविज्ञान बदल गया, शब्द बदल गए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने क्या किया कि गेम ऑफ थ्रोन्स की पिछली सारी किताबें अपने प्रोग्राम को पढ़वा दी और उसने एक दिन में उसको या जितने भी समय में उसको नया एक सीक्वल लिख के दे दिया जिसमें आगे के प्लॉट को लेके रैंडम भविष्यवाणियां थी। जापान में तो हद ही हो गई कि एक साहित्यिक अवार्ड में एआई की लिखी एक किताब पहले राउंड को पार कर गई। जॉडी आर्कर और मैथ्यू जॉकर नाम के दो लोग हैं जिन्होंने द बेस्ट सेलर कोड बनाया है। उन्होंने 5,000 किताबें उस कोड में फीड की और फिर उससे पूछा गया कि इनमें से कौन सी बेस्ट सेलर थी और कौन सी नहीं, और करीब 80-90% मामलों में उसने सही गेस किया कि कौन सी किताब बेस्ट सेलर थी। अब वो कंसल्टेंसी करने लगे हैं दोनों लोग। आप अपनी पांडुलिपि उनके पास लेके जाइए तो वो अपने कोड से आपकी किताब गुजारते हैं और फिर आपको एक स्टार रेटिंग देते हैं और ये सुझाते हैं कि आप किस किस तरह के परिवर्तन अपने किरदारों और कहानी में कर सकते हैं कि ये ज़्यादा लोगों को रोचक, पठनीय लगेगी या बेस्ट सेलर होगी। तो सबसे ज़्यादा खतरा उन लेखकों और किताबों को है जो आज बेस्ट सेलर हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा पैटर्न है जो काफ़ी साधारण है, अगर आपके किरदार या कहानियों में कोई फॉर्मूला है तो एआई के लिए उसे पकड़ना और मिनटों में कॉपी करना बहुत आसान है। तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में एक रात में एआई हजारों ऐसी किताबें लिख दें जो आज बेस्ट सेलर हैं। उससे उन लेखकों को तो नुकसान होगा, लेकिन एक फायदा ऐसा होगा कि शायद लोग उन किताबों से जल्दी बोर हो जाएंगे और नई नई तरह की किताबें लिखी जाएंगी। इंसान ऐसी चीज़ें करने और सोचने और कल्पना करने पे मजबूर होगा जो मशीन का इंटेलिजेंस कॉपी ना कर सके। तो आप अपने स्टाइल में, भाषा में, कथ्य में
इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न लेके आएंगे जो मशीन के लिए कॉपी करना बहुत मुश्किल हो। तो एआई से निकट भविष्य में प्रतिद्वंद्वी होने का खतरा तो नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि अगले कुछ सालों में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 5, 10, 15, 20 सालों में लेखक अपना करीबी साथी बना लेंगे। जो अब आजकल 2, 4, 6, 8 लोग कर रहे हैं वो सब लोग करने लगेंगे, और जो भी लेखन के तथाकथित नॉन क्रिएटिव काम माने जाते हैं जैसे कि रिसर्च करना या कुछ और, वो शायद हम एआई से कराएंगे जो बोरिंग काम है, और हमें बहुत ज़्यादा खाली वक्त मिलेगा। उस खाली वक्त का हम क्या करेंगे ये हम पे निर्भर करता है। हम पागल भी हो सकते हैं और बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं। थैंक यू।